सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, और तत्काल टिकट बुक करते समय आप लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो 5 मोस्ट मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग ये 5 मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बिल्कुल आसानी से कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप बताते हैं आप लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई के भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, इसके बाद आप लोगों को इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा पहले आप लोगों को मास्टर लिस्ट करना है। मास्टर लिस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है, इसके बाद माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मैं 2 नाम ऑलरेडी मास्टर लिस्ट में सेव करके रख चुका हूँ। तो सिंपल आपको करना क्या है, यदि आप पहले से ही मास्टर लिस्ट में नाम सेव कर करके रख चुके हैं तो इसे आप डिलीट करना है। तो सिंपल एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डिलीट कर लेना है। इसके बाद सिंपल ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपल आपको पैसेंजर का नाम फिल करना है। तो मैं सिंपल नाम फिल कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद बर्थ सेलेक्ट करना है। तो आप लोग मास्टर लिस्ट सेव करते समय क्या मिस्टेक करते हैं, बर्थ जो आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आप लोग यहाँ पे मिडिल बर्थ, अपर बर्थ या फिर साइड लोअर साइड अपर सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आता है, जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं तो मान लो आपने लोअर बर्थ सेलेक्ट किए लेकिन वहाँ पर लोअर बर्थ अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पर प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पर सर्च करने में 10 से 15 सेकेंड भी बर्बाद हो जाता है। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपल आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मेरा मास्टर लिस्ट में ऑलरेडी नाम यहाँ पे सेव हो चुका है। सेव कर लेना है 1 से 1.5 घंटा पहले, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे। ये सेव करना कहीं से पहले मैं बैक कर लेता हूँ। आपको लॉगिन किस टाइम करना है, जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, 2 मिनट पहले, कुछ लोग 1 मिनट पहले लॉगिन कर लेता है। यदि आप पहले लॉगिन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आता है, जब आप बुक नाउ पर क्लिक करते हैं पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद तो यहाँ पे आपको एरर देखने के आएंगे, अनेबल टू परफॉर्म करके एरर आ जाता है। इसकी वजह से आप लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जब भी लॉगिन करेंगे तो 30 से 35 सेकेंड पहले आपको लॉगिन करना है, जब AC टिकट बुक कर रहे हो या फिर स्लीपर टिकट बुक कर रहे हो। तो फटाफट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको प्लान माई जोनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्म स्टेशन और 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कोटा सेलेक्ट कर लेना है, तत्काल में बुक करना चाह रहे हैं तत्काल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर्च ट्रेन का। तो इस सर्च ट्रेन पे आपको किस टाइम क्लिक करना है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे 5 सेकेंड पहले सर्च ट्रेन पे क्लिक करता है और कुछ लोग 5-7 सेकेंड बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करता है। तो आप लोगों को जैसे AC टिकट बुक कर रहे हैं तो 10:01 या 2 सेकेंड पर क्लिक करना है, या फिर स्लीपर बुक कर रहे हैं तो 11:01 या फिर 2 सेकेंड पे क्लिक करना है। यदि आप लोग 5 सेकेंड पहले भी सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग बुकिंग नहीं खुला रहेगा। अगर 5 सेकेंड बाद अगर सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं तो इस सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है। तो आप लोग प्लीज वेट का जो ऑप्शन आता है घूमने जो लगता है तो यहीं पे आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30-30 सेकेंड बर्बाद हो जाता है। तो सिंपल आपको 1 से 2 सेकेंड पर सिंपल सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बुकिंग ओपन हो जाता है। जो भी ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है तो सिंपल आपको क्लिक करना है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद कन्फर्म करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपने जो मास्टर लिस्ट में जो पैसेंजर डिटेल फिल करके रख रखे हैं सिंपल आपको फटाफट सेलेक्ट करना है।
और यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ आना है और आप यहाँ पे मोबाइल नंबर देख सकते हैं, तो मोबाइल नंबर का आपको छेड़छाड़ नहीं करना, यानी मोबाइल नंबर आप एक चेंज करना चाह रहे थे, यहाँ पे आपको 5 से 7 सेकेंड बर्बाद हो सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नीचे की तरफ आना है और आपको जहाँ जाना है सिंपल फर्स्ट लाइन में आपको बिहार जाना है तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर भी आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, एड्रेस फुल फिल करना चाहते हैं, फुल फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 से 7 सेकेंड 10 सेकेंड भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तत्काल टिकट बुक करना है तो एक एक सेकेंड पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद सिंपल आपको एरिया पिन कोड सेलेक्ट करना है, तो मैं सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया हूँ। और सिंपल आपको यहाँ पे भी फिर मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं तो सिंपल किसी भी आपको पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप इसके बाद सिंपल जूनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। जूनी डिटेल पर क्लिक करने के बाद कभी कभी यहाँ पे आप लोगों को इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो फटाफट आपको इमेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे आपको कैप्चर शो कर रहा है तो मैं कैप्चर फिल करता हूँ। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैं पेमेंट ऑप्शन पे फाइनली आ चुका हूँ। पेमेंट ऑप्शन पे आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज करता है, तो जब भी तत्काल टिकट बुक कर रहे थे, जब भी तत्काल टिकट आप बुक कर रहे हैं मोबाइल से और भी IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, तो आप लोगों को भूल के कभी भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। यदि यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड फिल करना होता है, सबमिट करना होता है, फिर इसके आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, फिर OTP फिल करना होता है, फिर सबमिट करना होता है, इसके बाद आप तत्काल टिकट बुक होते हैं। तो यहाँ पे आपको 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 30 सेकंड लग जाते हैं और इतना टाइम तक टिकट रुकता नहीं है। इस समय होली के टाइम है, आपको वो पता होगा, 50 AC टिकट बुक करते हैं तो 50 से 55 सेकंड में खत्म हो जाता है, और स्लीपर टिकट बुक करते हैं तो 1 मिनट 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड से 40 सेकंड के आसपास टिकट खत्म हो जाता है। यदि आप इस तरह से 10 सेकंड बर्बाद करेंगे तो आप लोग तत्काल टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कभी भी बुक नहीं कर पा सकते। तो आप लोग करना क्या, सिंपल पेमेंट ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है वॉलेट पर, और यहाँ पर आपको पेटीएम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर MobiKwik कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा MobiKwik सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि MobiKwik यदि सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को मोबाइल पे OTP काफ़ी तेज़ी से आता है, अगर सबमिट करेंगे और पेमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी जल्द PNR जनरेट हो जाता है, या फिर आप पेटीएम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल पे OTP आ चुका है। अब मोबाइल नंबर देख सकते हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। ऑटोमेटिक कैसे सेलेक्ट हुआ इसके बारे में भी हम बता देते हैं। एक्चुअली में जब IRCTC पे आपने अकाउंट बनाए होंगे, जिस मोबाइल नंबर अकाउंट बनाते समय दिए होंगे उसी मोबाइल नंबर से आप लोग पेटीएम अकाउंट बनाना है और इसी मोबाइल में आपको लॉग इन करना है, तभी आपके मोबाइल पर सेम मोबाइल पर OTP आएंगे। थिंक सिंपल, या फिर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे थे यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 15 से 20 सेकेंड बर्बाद हो जाता है। तब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, सॉरी मैंने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया हूँ। इसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल पे एक OTP आएंगे, तो आपको एक बोनस लोग यहाँ पे मैं एक बोनस टिप्स दे देता हूँ यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो सिंपल क्या करना, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप लोगों को एक कॉपी करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप देख सकते हैं सिंपल आपको कॉपी का ऑप्शन आ चुका है। कॉपी करेंगे और यहाँ पर सिंपल आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं टाइप करते हैं, टाइप करेंगे तो हमें 5 सेकेंड लगेंगे और कॉपी करेंगे तो आपको 2 सेकेंड 1 सेकेंड में आप कॉपी करके सबमिट कर सकते हैं। आपको बेनिफिट किया हुआ यहाँ पे 3 से 4 सेकंड यहाँ पे भी आपको बच गया। इस तरह से आप लोग 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बचाएंगे तो आप लोग कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से। और इसके बाद जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, तो आपको टाइपिंग स्पीड और आपको इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तभी आप लोग तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट करने के लिए करना क्या, आपको थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन में, ट्रू कॉलर अपने मोबाइल फ़ोन में यदि इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, आप फिर से आपको सबमिट करना है, जैसे सबमिट करेंगे तो आपको PNR जनरेट हो जाएगा। यदि आप तत्काल टिकट बुक करते समय इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो 100% है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।